हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड की ओर से जून सितंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है सेकंड क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड का, जो कि हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर लैक्स में है, इनकम की बात करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को ऐड करके हुआ 187.9 करोड़ का, जून 24 में 213.9 करोड़ का और सितंबर 23 में 213 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम में डाउन देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है, मटेरियल कॉस्ट में स्टॉक इन ट्रेड के परचेज में फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड वर्क इन प्रोग्रेस के इन्वेंट्री में चेंज होना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फिनांस कॉस्ट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस को ऐड करके इस बार का एक्सपेंस 179.6 करोड़ का, जून 24 में 199.3 करोड़ का और सितंबर 23 में 200.2 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डिक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 8.2 करोड़ का, जून 24 में 14.6 करोड़ का, सितंबर 23 में 12.7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट है 6.3 करोड़ का, जून 24 में 10.8 करोड़ का और सितंबर 23 में 9.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन है। ईपीएस कंपनी का है, इस बार का 2.43 रुपीज का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउनफॉल देखने को मिल रही है। कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो नो डाउट इस बहुत वीक रिजल्ट पेश किया, बहुत ही खराब रिजल्ट देखने को मिला है। यहाँ पे एबिटडा अगर देखा जाए, एबिटडा मार्जिन 6.69% का, प्रॉफिट बिफोर पीबीटी मार्जिन 4.47% का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 3.4% का, जो कि दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी सेवरल सेक्टर्स जिसमें यूज होता है मास्टर बैचेस जो यूज होता है, जैसे इरीगेशन, पाइपिंग, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, ये सभी में सबड्यू है गाइज, डिमांड इस बार सबड्यू देखने को मिला है क्वार्टर टू में। और बहुत सारे स्टेट्स एक्सपीरियंस किए अल्टाइमली एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का, जिसके कारण कंपनी को जो है सो वाइड स्प्रेड वाटर लॉगिंग, फ्लडिंग, पावर आउटेज एक्सेट्रा वगैरह, जो उसके कारण कंपनी को रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस देखने को मिला। और यही कारण है गाइज कंपनी का प्रॉफिट में डाउन होना, रेवेन्यू में डाउन होना। कंज्यूमर स्पेंडिंग भी इस बार जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के कारण गाइज ब्रेदर जो है सो देखने को मिला, डाउनफॉल देखने को मिला। लोअर देन एंटिसिपेटेड बजटेड स्पेंड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। रॉ मटेरियल प्राइसेस भी जो है ये अनप्रेसिडेंटेड ट्रेंड देखने को मिला, इन्वेंट्री कैरिंग लॉस वगैरह भी देखने को मिल रही है। एनर्जी कॉस्ट पर KVWH जो है इंक्रीज किया गया है सभी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस में, जिसके कारण कंपनी एक एक्शन प्लान जो है सो कंसीडर कर रहा है जिससे चैलेंज को एड्रेस कर सके। और विथ प्रूडेंट फिनेंशियल डिसिप्लिन में अगर देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल जो है इफेक्टिवली मैनेज किया गया है। कंपनी का कंटिन्यू रिमेन अगर देखें तो नेट सरप्लस जो है इन्वेस्टिंग के द्वारा 17 करोड़ का है म्यूचुअल फंड में। और सेकंड क्वार्टर के दौरान कंपनी जो है कॉम्प्लस 22/4 में फोर एग्जीबिशन जो हुआ था नाइजीरिया में, इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिससे एक पॉजिटिव रिस्पांस जनरेट किया है। तो यार जिन सभी कारण से कंपनी का प्रॉफिट वगैरह में डाउनफॉल देखने को मिला, रेवेन्यू में डाउनफॉल देखने को मिला, इसका रिजल्ट आएगा 3/10 में इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आते ही कंपनी का शेयर में डाउनफॉल देखने को मिल रही है और बहुत तेजी से गिरावट है, क्योंकि पॉजिटिव में था, प्रॉफिट में था, लेकिन करंटली सडन फॉल देखने को मिला है। और क्लोजिंग से जस्ट कुछ मिनट पहले ही कंपनी के शेयर में फॉल हुआ, और लगभग अगर देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर है अराउंड बहुत बुरी तरह से फॉल देखने को मिल रहा है। लगभग जो है अगर देखा जाए तो 5% का क्रैश करता हुआ देखने को मिला है इसके रिजल्ट आते ही, और 290 रुपीज पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 2.8% का लॉसेस है। 5 डे में 1.9% का लॉस है, 1 मंथ में 15.5% का लॉस है। कंपनी बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। 7 अक्टूबर का एक सपोर्ट दिया था 282 का, वापस से कंपनी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब देखना ये क्या कंपनी वापस 282 का सपोर्ट ले पाता है, या फिर अगर ये सपोर्ट लेता है गाइस उसके बाद वापस से कंपनी फिर से सपोर्ट इसको ब्रेक करके वापस सपोर्ट लेता है तो गाइस कंपनी बहुत बुरी तरह से गिरावट आ सकती है। तो अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं गाइस तो मैं मत कीजिए, फिलहाल के लिए वेट कीजिए, देखिए कैसा परफॉर्म करता है। सॉरी गाइज मुझे कोल्ड हो गया है इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा, तो इसलिए गाइज आप लोग देखिए कैसा परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग जो है और वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।